और ये इसका बेस्ट पॉइंट है भाई। तो हमेशा ना राइड में अपने साथ हल्की वगैरह लेके चला करो, खासकर ब्रेक्स वगैरह की। इस साइड भी पहाड़ है, उस साइड भी पहाड़ है और उस साइड भी पहाड़ है, और ये सीधा साउंड नदी अपनी पूरी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं अभी क्या बोलते हैं, अभी तो मैं यार केसर वाला हूँ, तो थोड़ा सा आया था देखने के लिए इधर, तो मैं दिख रहा होगा यहाँ से, दिख रहा होगा भाई आगे जाके दिखाऊंगा, अभी लोग भी है ना वहाँ। अरे यार मेरे तो ऐसी आज हालत, तो मैं यार एक हफ्ते से मैंने ना मैंने साइकिलिंग करी है ना मैं गया हूँ, क्योंकि यार हालत बहुत ख़राब थी। मतलब कोल्ड उड़ता, फीवर उड़ता, ये सब में महंगा पूरा हफ्ता निकल गया। मैंने बोला आज तो निकलते हैं यार, मंडे को व्लॉग अपलोड करना है, तो मैं राइड करते हुए आ रहा था, तो मेरा ना फ्रंट वाला जो ब्रेक है ना, ब्रेक फ्रंट वाला ब्रेक, तो इसमें तो खैर मैंने उसको वो निकाल रखे, क्या बोलते हैं वो डिस्पैच निकाल रखे मैंने, तो इसमें ना इशू होता है यार कि जो मतलब इसका जो यहाँ पर वो होता है ना, क्या बोलते हैं ये लिमिटिंग स्क्रू होता है, ठीक है, ये मतलब इससे ना अपना डिस्पैच आगे और पीछे जाता है, जिससे कि ना हमारा मतलब ब्रेक टाइट और लूज़ होता है, तो वो ना थोड़ा लूज़ हो रहा, तो मुझे अपने पुराने डिस्क ब्रेक दोबारा लगाने पड़ेंगे इसमें डिस्पैच। तो अभी खोलते हैं इसे, थोड़ा मैं उधर दिखाता हूँ तुम्हें पहले, उसके बाद फिर इसे करते हैं ट्राइपॉड में, कैमरा लगाना पड़ेगा ना मेरे को, पहले तुम्हें आगे का दिखाता हूँ मैं। पानी पुनी तो आ रहा है, थोड़ा नीचे चलते हैं, ऐसा ऐसा करके जाना पड़ता है भाई। यहाँ मैं मतलब बहुत पहले आता था, बहुत पहले, मतलब बहुत ज़्यादा पहले। अब ये लोग शायद मछली पकड़ रहे भाई, अब मैं कांटा डाल के मछली पकड़ रहे। चल चलते हैं नीचे, मेरे को नहीं पता था फिशिंग भी होती है यहाँ, मैं तो सोच रहा था भाई बाहर देशों में होती है, यहाँ भी होती है भाई फिशिंग। चलते हैं आगे, तितलियाँ देखो मैं कितनी सारी, अभी कितनी सारी तितलियाँ हैं एंकर। बहुत सारी है भाई, ये पानी पूरी पी क्या कर रही है। देहरादून का बेस्ट पार्ट है यार ये, मतलब मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ ना, अभी इस साइड भी पहाड़ है, उस साइड भी पहाड़ है और उस साइड भी पहाड़ है भाई, ये सीधा साउंड नदी अपनी पूरी। यहाँ गाय वगैरह भी चुग रही हैं। चलते हैं आगे, तो मेरे तो आते आते ट्रैवलिंग व्लॉग ज़्यादा हो रहे भाई, ऑफ रोडिंग वगैरह कम ही कर रहा हूँ मैं, मेरे में ब्रेक भी नहीं है ना, तो ब्रेक ब्रुक करके मैं तो मैं कैंपिंग के लिए भी बोला था, तो सॉरी गाइस यार, बारिश इतनी खतरनाक बारिश हो रही है ना आजकल, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, बहुत खतरनाक भाई, भयंकर हो रहा है यार। केदारनाथ है तो शायद बादल बादल में फटा है, न्यूज़ सुनी थी मैंने थोड़ी बहुत, यही सीन है अभी। मतलब पानी पिछली बार से कम है, इस वजह से ज़्यादा नहीं है, पर चलते हैं आगे, तो मैं थोड़ा पानी का फ्लो भी दिखाता हूँ, तो छूते भी नहीं भाई। वाटर फ्लो बहुत तेज है भाई पानी का, देख रहे हो पैन का, मतलब छूने का भी मन नहीं कर रहा पानी। पीछे अंकल मछली पकड़ रहे हैं, होगी तो कहाँ यार, स्थिर पानी में होती है मछलियाँ, किसमें होगी, चलते पानी में आती हैं यार, पहाड़ों के पहले भी आती है, अगर जाने की हिम्मत है नहीं, पहले मैं इसमें नहाया हुआ, पता है मैं इसमें पहले नहाया हुआ, अब मेरी हिम्मत नहीं है इस पानी को देख के, उधर भी सब मछलियाँ पकड़ रहे हैं भाई। बढ़िया यार, चलते हैं यार अब पीछे साइकिल की तरफ, अपनी थोड़ी ट्रेन लेते हैं, एक दो ट्रेन मिली है क्या, थोड़ी बहुत तो इन मस्ती मानी, और यार वीडियो मतलब ऐसी बनी थी यार आज की। यार मैं उधर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर आर्मी वालों का बेस कैंप है, और बहुत गालियाँ पड़ेंगी मुझे कि ऑफ रोड करते करते यहाँ तक क्यों घूम रहा भाई तू, तो वहाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं यार, तो थोड़ा खुद को भी डर लगता है यार, तो इसलिए रिस्क नहीं लेता मैं। चलते हैं साइकिल में, पहले वो कैलिपर ठीक करता हूँ अपना ब्रेक का, उसके बाद देखते हैं यार। सबसे पहले तो मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है, कैलिपर को जान मिल जाएगा। तो हमेशा ना राइड में अपने साथ हल्की वगैरह लेके चला करो, खासकर ब्रेक्स वगैरह की ना, क्योंकि टायर इतनी जल्दी मतलब खुलते तो नहीं है, बट तभी भी तो ब्रेक्स वगैरह के तो लेके चला करो, ईजी होता है, खासकर टूर कर रहे हो तो भाई तुम पंप वगैरह अपना पंचर किट वगैरह सब लेके चला करो। वैसे है मेरे पे, मतलब मेरे पे नहीं है, मेरे पे पंचर किट वैसी पड़ी हुई, पंप तो है, पंप बड़ा है, पंप पोर्टेबल पंप आयुष पे है, तो उसे मैं बोरो करूँगा, मैं कैंप पे जाऊँगा तो मुझे उसे लेना ही पड़ेगा भाई, मैं रिस्क नहीं कर सकता भाई, इतनी देर कैंपिंग में जा रहे, मतलब वहीं फंस गए तो फिर दिक्कत है ना। अब ये ना ये निकल जाता है, ये अपना
यहाँ पर ना मतलब क्या बोलते हैं डिस्क पैड आता है तो उसे टाइट और लूज करके ना तो उसे एडजस्ट करता हूँ कि हमारा डिस्क मतलब रोटर पे फंसे भी ना मतलब इजीली वो भी ना है, रबिंग इशू भी ना है उसमें, और हमारे ब्रेक भी सही काम करता है। तो ये मेरा ना ख़राब है यार, ये पहले से ही पहले से मतलब क्या जब से मैंने साइकिल ली थी ना वही कंपनी ने ऐसा करके दिया होगा। तो मेरे पे पुराने वाले डिस्क पैड हैं, ठीक है यही लगाऊंगा मैं फिलहाल, उसके बाद शायद आज में से चेंज करा दूँ। अगर आज चेंज करा दूँ मैं इंस्टॉलेशन की भी वीडियो बना दूंगा, नहीं तो फिर कभी तुम लोग कमेंट कर देना तो उस पर तब बना दूंगा वीडियो। तो एक लगेगा नीचे, एक लगेगा ऊपर। वैसे तो डिस्क पैड को ऐसे टच नहीं करते, बट मेरे वैसे भी लगेंगे तो नहीं है, बट मैं तो स्क्रू को बचाने के लिए कर रहा हूँ जिससे कि वो गिरे ना रोड पे और फिर मेरे को नया कैलिबर ना खरीदना पड़े। तो एक चक्कर तो ऐसे करके इसमें ये लगती है, क्या बोलते थे मुझे भी नहीं पता भाई, ऐसे करके अंदर जाती है। उसके बाद ना इसके अंदर मतलब होल होते हैं तो उनमें आगे फंस जाती है, तो अपना स्प्रिंग की तरह काम करता है, जब ब्रेक यूज़ करते हैं ना उसकी तरह काम करता है। मतलब बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं कि तुम्हें अपना मगर उसके पास जाना पड़े साइकिल मैकेनिक के पास, तुम खुद भी कर सकते हो घर पे इजीली, कोई वो नहीं है। क्योंकि डिस्क ब्रेक की मतलब डिस्क पैड वगैरह की सर्विस करना इजी है, मैकेनिकल हो चाहे वैसी हो, मतलब हाइड्रोलिक वाली। हाइड्रोलिक में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है बट मैकेनिकल में नहीं आता, क्योंकि मैकेनिकल में सब वायर वाला सिस्टम होता है तो उसमें दिक्कतें आती, पर उसमें आती है क्योंकि उसमें तुम हल्का सा अगर तुमने गलती से अपना आगे ब्रेक लीवर दबा दिया और तुम्हारा सारा उसका मतलब ब्रेक वाइल ज़रा बाहर आ गया तब फिर उसे एडजस्ट करने में और दिक्कत होती है। ये दिक्कत है बाइक तो और कुछ नहीं है, ये चीज़ें तुम्हें आनी भी चाहिए भाई। तो अगर तुम लॉन्ग राइड वगैरह कर रहे हो ना तो तुम्हें आनी चाहिए, ये चीज़ें काम आती है भाई। मेरे को तो बहुत काम आती है जब मैं राइड करता हूँ लॉन्ग वगैरह, या भाई दूर 100-400 किलोमीटर करके तो कोई ऐसा इशू नहीं था क्योंकि प्लेन कर रहे थे, बट अपील वगैरह में तो काम आती है। तो खैर ब्रेक तो मेरे खैर अभी भी नहीं लगेंगे क्योंकि मेरे ब्रेक पैड तो मैं घिस चुके हैं, तो इसे ऐसे ही रहने दूंगा जिससे मेरा अपना लिमिटिंग वाला स्क्रू ना गिरे भाई। तो ऑल गुड है, फिर तुम खुद भी कर सकते हो, एक एलन की वगैरह अपने पास ही रखा करो टूल्स ज़्यादा, एक तो डिस्क पैड की रख लिया करो, डिस्क ब्रेक कैलिपर वगैरह की रख लिया करो, ब्रेक्स वगैरह की, गियर्स वगैरह की रख लिया करो, बस ये क्योंकि यही ज़्यादा दिक्कत करते हैं यार। हाँ टायर पंचर होता है तभी भी तुम्हें टायर खोलने की ज़रूरत नहीं हो, बाहर से ही बिना टायर खोले भी पंचर लग जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बाकी तो चलते हैं अब आगे। खैर ये ट्रेल तो है जा रही है, छोटी छोटी सी पगडंडी सी है, फॉलो करते हैं थोड़ा सा आगे तक। अब ये है ना कि आगे आर्मी वालों के कैंप भी है, अब उन्होंने पकड़ लिया तो गालियाँ ज़रूर पड़ेंगी मुझे, तो चलते हैं। लेट्स गो गाइस। यार ट्रेल भी पहली बार कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी पहले करी होगी मैंने क्योंकि मुझे याद है, ये ट्रेल याद है तो करी भी होगी मैंने कभी फ्यूचर। ट्रेल की तो थोड़ी बात करते क्या है कि साइड में चल रही है नदी, आओ कुछ साल बाद राइड करो ना, यही होता है। हफ्ते भर नहीं करी मैंने, ऐसा लग रहा पता नहीं कितने टाइम छोड़ दिया होगा मैंने, काफ़ी नैरो है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, मतलब ठीक है प्रैक्टिस लाइक है भाई। और ये इसका बेस्ट पॉइंट है भाई, ब्रेक भी नहीं लग रहे भयंकर सा। तो इसका एक पीक पॉइंट आता है यहाँ पर, ठीक है का मतलब है यार एक आधी 2 किलोमीटर की ट्रेल तो है, ये वीडियो में तो छोटी लग रही होगी, बाकी देख लो तुम पूरा। उधर उनका आर्मी वालों का फायरिंग रेंज है जहाँ हम जा नहीं सकते, हमें जाने की कोशिश करूँगा भी नहीं, तो यही है थोड़ा बहुत अपना देहरादून का ब्यूटी। तो गर्मी बहुत हो रही है भयंकर,
और गला तो मेरा ख़राब ही रहा है भाई, गला तो ठीक नहीं हो रहा है मेरा। और गर्म पानी पी रहा हूँ मैं, गर्म पानी लेके भी आऊँगा साथ में। तो ऑलवेज हमेशा अपनी वाटर बॉटल साथ रखो, वाटर बॉटल फॉर योर राइड, क्योंकि गर्मी तो होती है यार। पानी तो गर्म था और धूप से और गर्म हो गया। धूप हो भी नहीं रही है, बादल ही बादल है, देखो बादल ही बादल। और कितने बढ़िया लग रहे हैं यार बादल भयंकर। कल बारिश नहीं पड़ी थी, परसों तो भाई गंद पड़ी थी भाई गंद। अब गाय देखो वहाँ बारिश में वो पानी में घुस रखी है। खैर पानी इतने इनके लिए तो ठीक है यार, हमारे लिए ज़्यादा मतलब खतरनाक है पानी वाला, क्योंकि हम तो बह जाएंगे। ये तो कुछ क्विंटल के होते हैं तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती यार। और बाकी यार यहाँ का इतना ही था, वो फायरिंग रेंज है वहाँ, गोलियाँ चल रही है इस समय, मतलब प्रैक्टिस चलती है। अब हम वापस यहीं से वापस ट्रेल करते हैं, निकलते घर की तरफ। जुकाम भी हो रहा है यार भयंकर, इसलिए तो कैंपिंग नहीं कर पाया, वरना मैं तो कर देता अब तक कैंपिंग। घर वालों ने मना करा, बीमार हो रखा, कहीं नहीं जाना ये। रिकवर पे हूँ मैं आजकल, दवाई दूई चल रही है, पहले से काफ़ी अच्छा है भाई बॉडी मेरी। सो गाइज आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, जैसे भी आया होगा मेरे को ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताना। और मेरे को थोड़ा बहुत बताओ भी यार तुम्हें क्या चाहिए, तुम लोग कुछ बोलते नहीं ठीक है, मुझे बताओ ऐसी चीज़ें बताओ जो मैं बना सकूँ ठीक है। और ऑफ रोडिंग वगैरह तो बनाऊँगा ही, मैं कैंपिंग भी इस वीक मतलब अगस्त में बीच में कर दूंगा कैंपिंग, मैंने सोचा है करनी है तो करनी है। लाया तो सारा सामान है मेरे पे, वो ए टू जेड, थोड़ा बहुत बस वो नहीं है मतलब मेरे पे बर्तन वगैरह नहीं है, क्योंकि जो स्टोव में लगते हैं बर्तन, क्योंकि उसमें ज़्यादा भारी बर्तन लगाऊंगा तो गैस ख़त्म हो जाएगी जल्दी उसकी। तो यह है, एंड जैसे भी होगा आप लोग प्लीज़ प्लीज़ बताओ मुझे। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, जैसे भी आएगा आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करना। एंड मिलते हैं अच्छे से नई नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।